दोस्तों, अगर आप चाहते हो अपने आईफोन में जो फोटो खींचते हो और आप उससे डॉक्यूमेंट के जरिए व्हाट्सएप पर किसी को सेंड करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो? वैसे नॉर्मली व्हाट्सएप पर ये ऑप्शन होता है नहीं है कि आपके फ़ोटोज़ जो है ना वो डॉक्यूमेंट के जरिए आप भेज सको अपने आईफोन में। तो सिंपली जैसे कि मैं यहाँ पर लाइव एक फोटो आपके सामने खींचता हूँ, उसके बाद उसे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के जरिए भेज के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पास ये जो डॉक्यूमेंट के जरिए फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पर मैं ये फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो क्लिक कर लिया एक, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अपने व्हाट्सएप पर एंड व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं प्लस वाले ऑप्शन पर, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहीं फ़ोटो शो नहीं कर रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की गैलरी ओपन करना है। गैलरी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा ये फ़ोटो। तो सिंपली आपको इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव टू फाइल्स का, सिंपली सेव टू फाइल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेव कर देना है, इसको फाइल में सेव कर लेना है। फाइल में सेव करने के बाद आपको यहाँ पर बैक करना है, आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है फिर से। जैसे ही आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स में जाना है एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर ये फ़ोटो आपका शो हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो फाइल होगा ना वो डॉक्यूमेंट के रूप में सेंड होना स्टार्ट कर देगी। देख सकते हो 2.6 MB का यानी कि 3 MB करीब ये फोटो है जो कि सेंड हो चुका है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।